हे गाइस, दिस इज आशीष एंड यू आर वाचिंग नाउ व्लॉग आशीष यूट्यूब चैनल। भाई साहब, आज सच में इम्तिहान है मेरा, क्योंकि आज चारों तरफ लोग खड़े हुए हैं, तो मुझे कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा। वेट। तो गाइस, जुगाड़ लगा लिया है, एक्चुअली ईयरफोन्स लगा लिए। कोई रिकॉर्ड कुछ करके नहीं आया मैं, कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं है, ऑन द स्पॉट बोलूँगा जो भी बोलूँगा, ब्लॉगर हूँ। क्योंकि इस वीडियो को बनाने का भी कोई इंटेंशन नहीं था, टॉपिक मिला, कंटेंट मिला, तो वीडियो लैटिन अमेरिकी भाषा में वीडियो, तो वीडियो बना दी मैंने। ठीक है। दूसरी बात, इफ़ यू आर अ ब्लॉगर, कंटेंट क्रिएटर और यूट्यूबर, आपके साथ कई बार ऐसा होगा कि आपके पास स्टोरी बहुत अच्छी होगी, कंटेंट बहुत अच्छा होगा, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने के लिए आपके पास लोग नहीं होंगे, आपके पास इक्विपमेंट्स नहीं होंगे। क्योंकि मैंने एक लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं एक डॉक्यूमेंट्री पे काम कर रहा हूँ, आई वॉज वर्किंग ऑन एन डॉक्यूमेंट्री, जिसके लिए मेरे को कुछ शॉट्स चाहिए थे, कुछ सिनेमेटिक सीक्वेंस चाहिए थे। तो मैं इसी जगह पे, सेम प्लेस पे 4-5 दिन पहले आया था, इन्हीं कपड़ों में। ठीक है भाई, उस दिन मैं वीडियो शूट कर रहा था और अकेला था, काफ़ी इक्विपमेंट थे, DSLR, रोड माइक और सेल्फी स्टिक, ट्राईपॉड्स, फिर बहुत सारे इक्विपमेंट्स थे, मुझे भी नहीं पता क्या क्या था। तो मैं यहाँ पे घूम रहा था, शॉट ले रहा था। अब कैमरा यहाँ पड़ा है भाई, मैं वहाँ से चल के आऊँगा तो काफ़ी मतलब दूर हो जाता हूँ मैं अपने कैमरे से। तो कई बार डर लग रहा था मुझे कि ये लड़का जो घूम रहा है बार बार, क्यों घूम रहा है यहाँ पे। मैंने उसे रोका, पकड़ा, पूछा। बच्चा था, मुझे ऐसा ही लगा कि वो चोरी करेगा या चोरी करने के मूड में है, लेकिन वो किसी गलत फिराक में था, तो मैंने उसे रोक लिया, पूछ लिया। और अब मैं आपको किससे मिलवाना चाहूँगा, मुझे खुद हंसी आ रही है, वो मैं बाद में बताऊँगा क्यों हंसी आ रही है। इधर, दैट्स द बॉय, व्हाट्स योर नेम? मुकुल। ये मुकुल है, इसने इस वीडियो को बनाने में काफ़ी हेल्प करी है मेरी। काफ़ी टाइम से यहाँ पे घूम रहा था और मैं इसे देख रहा था। एक्चुअली इज ऑन बंक, ये 6th क्लास में है और इसने आज स्कूल बंक किया है। जब हम 6th क्लास में थे हमें शायद पता भी नहीं था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बंक, और ये बंक करा हुआ है आज। मेरे को नहीं पता कितने लोग ये वीडियोस देखेंगे, पर अगर कोई मेरे आसपास का ये वीडियोस देखता है तो प्लीज़ इसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करो कि ये बंक मारता है। समझ नहीं आ रहा, इसको छोड़ दो या इसे मारो, क्योंकि इसने मेरी वीडियो बनाने में काफ़ी हेल्प करी है और अब ये बंक मार रहा है। भाई, इसने अभी मुझसे प्रॉमिस किया है कि कल से ये बंक नहीं मारेगा। मारेगा कल से बंक? नहीं। कल से स्कूल जाएगा ना पक्का? बोल प्रॉमिस, मैं स्कूल जाऊंगा कल से। कल से मैं स्कूल जाऊंगा और बड़े होके आशीष भैया की तरह बनूंगा। बड़ा होके आशीष भैया की तरह बनूंगा। और मुझे पता है ये वीडियोस अभी मेरे आसपास जितने भी रहते हैं वो सब देखेंगे, तो प्लीज अगर आप इसके पेरेंट्स को जानते हैं तो इसके पेरेंट्स को बताओ ये बंक मार रहा है। मुकुल का बंक मुझे वैसा नहीं लगा जैसा आजकल जो बच्चे बंक करते हैं, घर से बोल के निकलते हैं स्कूल जा रहे हैं और स्कूल जाते नहीं है। बहुत मासूम सा था वो, मैंने गलत समझा था उसे, लेकिन बहुत मासूम था। इनफैक्ट मैंने उसके साथ बाद में आधा पौना घंटा बिताया, कचौड़ी और हमने सोडा वोडा पी, फिर वो घर चला गया अपने। उसके बाद क्या हुआ कि मैं यहीं पर था, मैंने सोचा कि एक वीडियो बना देता हूँ इस पर। अब वापस तो मुकुल को लेके आगे ब्लॉग बना नहीं सकता था, तो जितना ब्लॉग बनाया था मैंने आपको दिखा दिया है। सो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ मुकुल। इस वीडियो से आपने क्या सीखा ये तो आप वीडियो के बाद पता लगा लोगे, लेकिन मैंने क्या सीखा वो मैं ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि आई नीड व्यूज़। उससे पहले आई नीड एनर्जी, और एनर्जी के लिए कोई भी गुजराती क्या पीता है? छाछ, मसाला वाली छाछ। तो अभी घर जाएंगे, छाछ पियेंगे, फिर ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे। दैट्स इट। मुकुल की स्टोरी को बताने से पहले मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्या लगता है आपको कि मुकुल के बंक करने के पीछे किसकी गलती है, किसकी लापरवाही है, या किसको दोषी ठहराया जाए? उसके पेरेंट्स को, उसकी टीचर्स को, या फिर स्कूल या एजुकेशन सिस्टम को? लोग कहेंगे कि मुकुल भी दोषी है, तो मैं मुकुल को इस लिस्ट में नहीं रखना चाहता। क्यों नहीं रखना चाहता, उसका एक कारण है। मुकुल से मैंने उस दिन बात करी थी कि तू बंक पर क्यों है, तो पहले तो वो सुन के ऐसे हंस दिया और उसे पता ही नहीं चला कि क्या बोला भैया ने। वो बौखला गया पूरा, क्योंकि उसे बंक का मतलब ही नहीं पता था। जिस बच्चे को बंक का मतलब नहीं पता वो बंक कैसे कर सकता है? उसे ये पता था कि मेरे घर से मेरे स्कूल तक के रास्ते के बीच में गार्डन आता है, वो स्कूल से ज़्यादा अच्छा है, मुझे वहाँ पे ज़्यादा मज़ा आता है। बस ये वजह थी कि वो स्कूल नहीं गया और वहाँ आ गया, और मैंने और दुनिया वालों ने उसे बंक का नाम दे दिया। और ये बहुत बहुत ही मतलब अफसोस वाली बात है कि एक 6th क्लास के बच्चे को बंक का मतलब नहीं पता है इंडिया में और सरकारी स्कूलों में। तो और दूसरी बात यह कि आजकल हर पेरेंट्स को अपने बच्चों की कम दूसरे बच्चों की ज्यादा तकलीफ होती है, दूसरे बच्चों के बारे में ज्यादा ध्यान रखते हैं। उसका बेटा ये कर रहा है, उसका बेटा वो कर रहा है, उसका बेटा मैंने आज खेलते हुए देखा सुबह से, उसका बेटा आज लड़की के साथ था तो था भाई, लड़की के साथ जाना गुनाह है क्या? नहीं मतलब कोई गुनाह कर दिया अगर वो लड़की के साथ दिख गया तो। थोड़ी सी तो सोच बदलो यार, थोड़ी सी, बस ज्यादा बदलने की जरूरत भी नहीं है। थोड़ी सी बदल लोगे सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। लड़की के साथ दिख गया तो उस लड़के की उसके माँ बाप के साथ कंप्लेन करोगे कि भैया आपका बेटा हमने एक लड़की के साथ देखा, वो उसके साथ घूम रहा था, बाइक पे था, स्कूटी पे था तो था भाई। अब तुम उसके माँ बाप को बोलोगे, वो उसे मारेंगे, डांटेंगे, पीटेंगे, कूटेंगे, जो करना हुआ करेंगे, लेकिन वो साला जो लड़का तुम्हें गालियां देगा, जो बद्दुआ देगा, उसका क्या करोगे तुम? ये सच बता रहा हूं मैं, ये सच बता रहा हूँ और सच कड़वा होता है। ये बात अपने दिमाग में डाल लो जो भी ये वीडियो देख रहा है, सच बहुत ज्यादा कड़वा होता है भाई साहब। दूसरों के बच्चों के बारे में बातें कर करके सबको पकाएंगे, मेरा बेटा तो पूरे दिन पढ़ता रहता है, इनका बेटा देखो सुबह से शाम क्रिकेट खेलता रहता है या फुटबॉल खेलता रहता है, पूरे दिन खेलता रहता है। खेलने तो भाई उसे, तुम्हारी जिंदगी में क्या जा रहा है? तुम्हारा कुछ लेके जा रहा है? तुम्हारे हाथ पैर से खेल रहा है, तुम्हारी एनर्जी छीन रहा है या तुम्हारा कुछ नुकसान हो रहा है उसके खेलने से? तुम्हारा बेटा पढ़ रहा है तो तुम्हें ऐसा लग रहा है कि वो पढ़ के इंजीनियर बन जाएगा और इंजीनियर बन के 20-25 हजार की जॉब कर लेगा, नौकरी मिल जाएगी, उससे कुछ नहीं होगा। प्रोबेबिलिटी ये भी तो है कि जो बच्चा पूरा दिन खेल रहा है वो कोई नेशनल प्लेयर, इंटरनेशनल प्लेयर भी तो बन सकता है। ये तो आपके दिमाग में आता ही नहीं है। लेकिन हाँ, जो बच्चा पढ़ रहा है वो अच्छा है। इस समाज में, इस कम्युनिटी में जहां हम रह रहे हैं वहां पे यही है। अगर आपका बच्चा पढ़ रहा है, आपका बच्चा आपकी बात मानता है तो वो एक आइडल चाइल्ड है आपके लिए। और अगर कोई नहीं मान रहा, कोई अपने पैशन को, कोई अपने ड्रीम्स को फॉलो कर रहा है, अब मैं यूट्यूब पे हूँ तो लोगों का काम है भाई कहना ये फालतू की वीडियोस बना रहा है, मेहमानों पे वीडियोस बना रहा है, मेहमानों की बेइज्जती कर रहा है। बेइज्जती किसने की भाई? मैं तो सच बोल रहा हूँ और सच कड़वा लग रहा है सबको। बस इतनी सी बात है। अपने बच्चों पे ध्यान दीजिए, उनके स्किल्स, उनके डेवलपमेंट पे, उनकी ग्रोथ पे, और दूसरों के बच्चों पे कम दे। उनके माँ बाप है और जिनके माँ बाप नहीं है उनकी कीमत है, उसे कीमत है अपनी भी और अपने टैलेंट की, अपनी जिंदगी की। अपने बच्चों पे ध्यान दे, खुश रहे, आबाद रहे, मेरी वीडियो देखते रहे। नामरा। भैया के चैनल को सब्सक्राइब करें।